अवतार दा तार प्रभु अवतार जो प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु है ओने धर्म दी फरियाद सुनना कीती गुर नानक जग माहे पठाया गुर नानक देव दुनिया दे तार वास्ते जगमी जो भेजने वाले अकाल पुरख आप है आप ही भेजने वाला होके पठवा होके आप ही आ गया गुरु नानक अवतार के वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे अज कल तारण दा चौथा समागम है। आप जी ने पहले समागम दे विच गुरु दी लोड़ की है खुशियां वास्ते जिहड़ियां खुशियां नूं आपां पाउण वास्ते बहुत कुछ करदे हां बहुत वसीले करदे हां बड़े अटैम्प्ट करदे हां स्ट्राइव करते हाँ भी सानू सुख मिले वह सुख जिहड़ा है केवल ते केवल गुरु नानक साहिब जी तो ही मिलता है। गुरु की प्राप्ति नाल ही सुख है। दूसरा समागम गुरु महाराज का जो सब ते वड्डा सतगुरु नानक है वह आप जी ने सरवण किया। तीजा समागम के गुरु महाराज किस तरह बदलाव लैके आते हैं किस तरह बदलते हैं जिंदगियां नू किस तरह महाराज ने सोसाइटियां नू बदलिया किस तरह गुरु महाराज ने मनुखां दी सोच नू बदलिया। सो अज समागम है अपना कि गुरु महाराज की वडियाई की है द ग्लोरीज ऑफ गुरु नानक महाराज किन्ने क वड्डे ने किन्ना किन्ना ने महाराज के गुण गाए ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप महाराज परमेश्वर रूप हैं ये तो गल आप कहीं भी भुल नहीं सकते कि महाराज आप परमेश्वर रूप संसार ते आए हैं। इन्हां दे बारे जे अगर आपां अज अधी रात दे समय गुरु नानक महाराज का प्रकाश आपां मनाउणा है गुरु नानक सच्चे पातशाह जी आप राय होए की तलवंडी जिन्हों अज ननकाणा साहिब आपां कहने हां। ननकाणा साहिब किवें बनिया राय भोए की तलवंडी तो यह बदलाव किमें आया हाउ डिड राय भोए की तलवंडी बिकेम ननकाणा साहिब आपां उत्थे तक जावांगे। शुरू आपां करना है कि जिस वेले गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी का आगमन हुंदा है जिन्हें भी इतिहासकार ने जिन्हें ने भी गुरु नानक साहिब जी का इतिहास लिखिया है ना उन्हां सारियां ने यह गल दसी है कि जिस वेले माता तृप्ता जी प्रैगनन हुंदे ने ना जदों गर्भवती हुंदे ने ना कहिंदे उस दिन तो लैके तलवंडी दे विच बहार आ जांदी है हर थाई खुशी महसूस हुंदी है बिना रुत तो बिना सीजन तो जिहड़े हन फ्रूट्स लगदे ने जिहड़ा है जे गर्मी है तां ठंडी ठंडी हवा चलदी है घा हरिया भरिया हो गया वह सारे नौ दस महीनिया क्योंकि इंडिया दे विच आपां 10 महीने मनते हाँ सो 10 महीनों वास्ते कहिंदे भी ऐसा होया कि सारा ही जिहड़ा है तलवंडी हरिया भरिया हो गया। दूसरा हन अगली निशानी यह हुई कि सारे नूं आनंद महसूस होण लग्या सारे नूं खुशियां जिहड़ियां हन महसूस होण लगियां बिना कारण तो देर वर नो रीजन टू बी हैप्पी बट एवरीबॉडी वॉज गैटिंग हैप्पी वॉज बीइंग हैप्पी कोई रीजन नहीं हर एक नूं इह ना पता लगे भी असी खुश क्यों हाँ। ऐसा वातावरण बनिया के वह सारी ही नगरी खुशियां दे विच ही हो गई आनंद हो गया। कवियां ने तो अपने कवियां दे शंगार वास्ते ना उन्होंने लिखिया नदियां भी जड़ियां सन दुद्ध होके वगन लग पिया। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वह 10 महीनों के तलवंडी जी है राय भोए की तलवंडी बहुत ही ऐसी खुशहाल सी कहिंदे कि हैवन दे विच भी इन्ना सुख कदे नहीं होवेगा जिन्ना राय भोए की तलवंडी ते हो गया। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी का आगमन हुंदा है आफ्टर मिडनाइट मिडनाइट तो बाद गुरु नानक साहिब का आगमन हुंदा है। सो यह आगमन जिहड़ा है द बर्थ टाइम जां जिहड़ा प्रकाश का समा है इतिहासकारां ने लिखिया है भी 12 तो बाद है आफ्टर 12 मिडनाइट है कईयां दा हिसाब दे नाल ए आउंदा के 124 AM ते होया है।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਛੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਛੱਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਛੱਤਰ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਫਟਰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਸੂਤ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨੂਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਨ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕੁਡ ਫੀਲ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਸ਼ੀ ਹੈਵ ਅਟੇਨ ਐਵਰੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਐਵਰੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਉਹ ਵਟ ਭਾਗਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਚੁਨੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਮ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ ਲੈ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਦੌਲਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਸਾਂ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਨੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੋ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਹਨ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾ।
एक बर्थ सर्टिफिकेट बना आके मेरे पुत्र था पंडित हरदयाल जिमें नॉर्मली आते होंगे ने उन्होंने अपना जो किताब चक ली जोशी की किताब चक ली होर चके हाँ जी एक झोले पा के आया आ करके जदों माता कालू जी कह लगे पंडित जी आ देखो मेरे पुत्र इन्हों की जन्म पत्री तो बनानी है तो इन्हों के लक्षण देखो इन्हों शरीर का कैसा है क्योंकि उन्होंने ऐसा आर्ट ऐसा नॉलेज हुंदा सी वह हथ देख के पैर देख के शरीर नू देख के दस देंदे सन भी यह कौन है भी ये जिंदगी विच की करेगा उन्होंने मत्था पढ़ लेंदे सन हथां दीआं लकीरां पढ़ लेंदे सन सो पंडित हरदयाल आया पंडित हरदयाल ने जदों इंस्पैक्ट करन लग्या ना गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज नू देखिया ते महाराज हस पे पंडित हरदयाल वल हसदियां होया ते जिहड़ा है पंडित हरदयाल निहाल हो गया ते महाराज की लंबाई देखी उन्हें हथां दी कंपेयर कीती उन्हां दे शरीर दे नाल भी ये हथ कित्थों तक जांदे ने सो उन्हें देखिया गुरु महाराज के जिहड़े हथ सन ना ऑलमोस्ट टचिंग द नीस नीस दीआं जिहड़ियां इत्थों तक आउंदे सन महाराज जो लम्मे पए ना हथ इन्ने लम्मे सन ये देखिया महाराज दीआं जिहड़ियां चरण देखे इंस्पैक्ट किया चंगी तरह मत्था देखिया पंडित हरदयाल ने पता की किया चक के महाराज के चरणा मथे नूं ला लिया ते मैता कालू जी हैरान हो गया कहिंदा वी पंडित जी सारी साडी कुल तन्नू मत्था टेकदी है तू मेरे बच्चे नूं क्यों मत्था टेक रहा है पंडित हरदयाल ने महाराज के चरण इत्थे मत्थे ते कई जड़ा बहुत सारे लंबे समय तक रखी बैठा रहा पंडित हरदयाल उठ के कहिंदा मैता कालू जी नूं मैता कालू मैं इन्हां दी जन्म पत्री की बनाउणी है ये तो सारे संसार नूं संसारे संसार दीआं जन्म पत्रियां बनाउण वाला है इन्हें तो सारिया जन्म पत्रियां बनाईया हुई हैं जिन्हें भी लेख कोई लिख लिख के आता है संसार यही लिख के भेजता है मैं ये बारे की लिखा पंडित हरदयाल जिहड़ा उन्हें जिहड़ा है फिर नक्षत्र देखे ग्रह देखे हैरान हो गया कहिंदा संसार विच ये समा किते भी नहीं आया इन द वर्ल्ड कहिंदा मेरी नॉलेज विच इन्ने ग्रह एक थां ते कट्ठे होने नक्षत्र कट्ठे होने कहिंदा किते नहीं होया संसार विच पहली बारी होया है ते ओ समा किहड़ा सी कत्तक दी पूर्णमासी कत्तक दी पूर्णमासी सी जदों गुरु नानक साहिब दा प्रकाश होया ते ओ कत्तक दी पूर्णमासी जिहड़ी है अज कल जिहड़ा है थोड़ा जिहा डाउट पै गया लोकां विच कई कहिंदे ने जी ये जिहड़ा समा है ये वसाख दे विच जां जदों वसाखी आउंदी है कहिंदे वसाखी वाले दिन जिहड़ा है गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश होया पर इहदे बारे डाउट करन दी कोई लोड़ नहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिदा क्योंकि पहली गल भाई गुरदास जी ने आप लिखिया आप अपने कविता विच लिखदा है 345वें कवित विच 345 वाले कवित विच भाई गुरदास जी आप लिखते ने कहिंदे कारतक मास रुत सरद पूर्णमासी करतक जिहड़ी है कत्तक का महीना सी कत्तक मीन्स नाउ नवंबर वाला महीना है कहिंदे इत्थे सरद भी रखी है भी विंटर है विंटर दी सीजन है वह पूर्णमासी जो फुल मून सीगा उदों गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश होया हुण इहदे बारे जिहड़ा है बड़े इतिहास होर भी लिखे गए ने उन्हां विचों इतिहास एक गुरु क्या साखियां आउंदा है हुण गुरु क्या साखियां दे विच ए भी 1700 दे विच ए इतिहास लिखिया गया है जो कि लिखिया है सरूप सिंह कशिश ने जां कुछ जिहड़ा कशिश ने लिखिया है वह लिखता अपनी किताब दे विच मैं आप जी नूं पढ़ के सुणाउंदा हाँ कहिंदे कत्तक सुद्दी त्रौ दसी शनिश्चर वार के देहो कहिंदे कत्तक दा महीना सी 13वां दिन सीगा मतलब पूर्णमासी सीगी कहिंदे देहो पौंटा युद्ध के एक महीना 10 दिन बाद पौंटा साहब की जंग तो जिहड़ा है 10 दिन बाद गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जिहड़ा है पहुंचे कित्थे कहिंदे एक महीना 10 दिन जमी 40 डेज आफ्टर पौंटा साहब की लड़ाई तो कहिंदे उत्थे दिवस बाद पौंटा ठहर के कपाल मोचन तीरथ आदि विराजे महाराज आके कपाल मोचन वाला जिहड़ा हिंदू भरा जिहड़े उत्थे उन्हां दा तीरथ है जिथे उन्हां दा जिहड़ा है सिर भेट करदे ने कहिंदे ओ अस्थान ते गुरु गोबिंद सिंह जी पहुंचे ते कहिंदे यहां सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी का पावन गुरपुरब जान के पूर्व मां
के देहो मुखी सिंह को सिर पाओ दियो। 1700 का इतिहास है। फिर एक होर इतिहास है जो पुराना 1700 का है, ते उदे विच ए लिखिया मालवा देश रतन पोथी। ए जड़ी पोथी है ए मालवे देश विच गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां जिन्नियां साखियां होईयां मालवे देश दे विच इत्थे लिखियां होईयां ने, ते इन्हां दी साखी 23 and 32 दे विच क्लीयरली लिखिया होया है कि कत्तक दा महीना है जदों गुरु नानक साहब जी दा प्रकाश होया। हुण वसाख दा किने लिखिया है? ए लिखिया जी जन्म साखी मेहरबान ने। आप जी नूं पता होगा कि मेहरबान कौन सीगा? बाबा पृथ्वी चंद दा पुत्र मेहरबान, जो गुरु अर्जन देव जी दे वड्डे भरा सन पृथ्वी चंद ते उन्हां दा पुत्र मेहरबान। बाबा पृथ्वी चंद ते मेहरबान सारी उम्र गुरु अर्जन देव जी नाल वैर करते रहे, गुरु हरगोबिंद साहब नाल वैर करते रहे, ते अजकल दे इतिहासकार उन्हां दा रेफरेंस लैंदे। सो हाउ दे से द ट्रूथ जदों सारी उम्र उन्होंने गुरु घर दे नाल वैर कीता है। सो इसे तरह ही जिहड़ा है ये गल विच बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी ए रत्ता मात्र भी अपने मन में डाउट नहीं लैके आनी, क्योंकि ये लोग जो डाउट पाते हैं ना इन्हों हों कि तुम अज गुरु महाराज का प्रकाश मना रहे हो, पर थोड़े मन च डाउट होगा इज इट वसाखी वसाख और कत्तक। यही होना चाहिए ना, एक मन होना चाहिए है ना। जेडे वसाख में मनाते उन्होंने भी होगा डाउट भी कि कत्तक च तो नहीं है। तो अगला जरा एविडेंस की है, सिंस डे वन ननकाणा साहब के विच किदों मनाया जाता है? इस ऑन कत्तक द सेम टाइम। ओके चलो हुण आपां अगे चलीए। गुरु महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का जो सारा इंस्पैक्शन पंडित हरदयाल ने किया, उन्हें जो जन्म पत्री बनाई, उन्हें नक्षत्र सारे बनाए, ये जन्म पत्री जिहड़ी सीगी ना ये तैयार होगी। ये जन्म पत्री जिहड़ी है इहदी हिस्टरी इस तरह है जिस तरह के सूर्य प्रकाश या नानक प्रकाश में लिखा है। कहिंदे जदों गुरु अंगद देव जी खडूर साहब च गुरु बने ना, गुरु महाराज ने पहला कार्य की किया, महाराज कहिंदे असी लिखनी है जीवन जा जन्म साखी गुरु नानक देव जी दी। आई वॉन्ट टू राइट द हिस्टरी ऑफ गुरु नानक देव जी। तो उस वेले गुरु अंगद देव जी पुछते हैं कि गुरु नानक के समय का कोई सिख है? तो उस वेले भाई पारो जुलका जी कहिंदे ने हाँ जी महाराज भाई बाला जी है जिहड़े गुरु नानक नाल सारी उम्र रहे हैं। गुरु महाराज ने भाई बाले नूं खडूर साहब सद्या, भाई बाले नूं पुछया कि भाई बालिया तू गुरु नानक नाल किवें रहा ते तेरे वास्ते गुरु नानक की है? भाई बाला रोण लग पिया, कहिंदा महाराज जदों मैं गुरु नानक का नाम चेते करदा है ना, कहिंदा फिर मेरा अखां जुड़ जांदियां हन, मैनूं बोलण नूं जी नहीं करदा, ये सारी दुनिया मैनूं फिक्की फिक्की लगन लग जांदी है। एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस वर्ल्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन द चरण ऑफ माई गुरु। ओही मेरा कहिंदा वो सब कुछ है मेरा गुरु नानक। भाई बाले नूं फिर पुछदे हन गुरु अंगद देव जी, कहिंदे जन्म पत्री गुरु नानक दी कित्थे है? उस वेले भाई बाला दसदा है कहिंदे तलवंडी विच होवेगी। ता उस वेले की हुंदा है, महाराज भाई बाले नूं जिहड़ा है भाई पारो जुलका नूं भेजदे हन वी जाके लैके आओ जन्म पत्री तलवंडी तो गुरु नानक साहिब जी दी। ता उत्थे जांदे ने ते जांदे कित्थे? गुरु नानक साहिब दे चाचा जी दे घर, भाई लालो जी दे घर। उत्थे जाके उह जन्म पत्री लभदे ने ते उहनां नूं जन्म पत्री मिल जांदी है। लैके फिर गुरु अंगद साहिब कोल आउंदे ने खडूर साहिब, ते उह जन्म पत्री जिहड़ी सी खडूर साहिब दे विच सी लास्ट जदों तक देखी है। सो हुण इत्थे जिहड़ी गल है, पंडित हरदयाल ने वह बनाई ते बना के वह हुण गुरु नानक का भगत बन गया। देखो आपां हर रोज़ सोचते हाँ सुनते भी हाँ कि बेबे नानकी वॉज द फर्स्ट सिख ऑफ गुरु नानक देव जी। नो, पता पहला सिख कौन होया? सब तो पहला ब्लैसिंग जिहड़ियां मिलियां दौता दाई नूं मिलियां, सब तो पहला सिख कौन होया? पंडित हरदयाल जिन्हें जमपत्री बनाई, जिन्हें महाराज का के इंस्पैक्ट किया, वह महाराज का चेला बनया। तो पंडित हरदयाल अपने मन में सोचता जाता है जन्मपत्री बना के पातशाह हे मेरे परमात्मा तू आता गया तलवंडी च, तू आता गया इतने भगना, मेरी उम्र बहुत होगी, पता नहीं मैं थोड़े कौतक देखागा कि नहीं, कि मैं पहला ही ना मर जाव,
ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੋ ਦੋ ਦਿਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਫੇਸ ਚੇਂਜ, ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਦ ਨੇਮ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਐਸਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਾਲੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਲੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਮਾਈ ਰਿਸਰਚ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੇਸ ਔਨ ਹਿਸ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਅਨਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਨ ਅਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਅਨ ਅਕ ਜਾਂ ਨਾ ਅਨਕ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਟਲ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, 3.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਐਰਮੈਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਨਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਠੁੰਮ ਠੁੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਂਧਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਪੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅੱਖਰ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 35 ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਭੁਲਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਲਾਮ ਦਲਾਮ ਸਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਖੀਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਤੇ, ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਤੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਊੜੇ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਬਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੈ।
सो महाराज ने वह उच्चारण की, गोपाल पंथ का हक्का बक्का रह गया। चौथे दिन बाबा मेहता कालू फिर छड़न आए, अज गोपाल पंथ के हथ जुड़ गए, कहते मेहता जी थोड़े बच्चे नू मैं नहीं पढ़ा सकता। कहते की गल, इन्हें कोई कसूर करता, कोई गलती करती? कहते नहीं, कहते बिन पढ़ाए पढ़ रहे अवर पढ़ावन हार। कहते एक तो बिना पढ़ाए तो पढ़ी जाता है, एक तो दुनिया को पढ़ाने वास्ते आया, इनू किने पढ़ाना, इनू नहीं कोई पढ़ा सकता। फिर नूरदीन को छड़िया फारसी पढ़ाने वास्ते, नूरदीन जरा है यक अर्ज गुफ्तम पेश तो शब्द उचारण करके उन्होंने हक्का बक्का छड़ दिता। वह हैरान हो गया, वह पैरी पै गया गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने संसार नू परमात्मा नाल जोड़िया, सिर्फ परमात्मा नाल जोड़िया। ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों कोई भी काम जरा है बाबा मेहता कालू जी दे कहे ते ना कीता ना, तो वह बहुत जड़े हन बहुत डिसअपॉइंटड जे हो गए। आखिरकार जड़ा है जो बेबे नानकी व्याई गई ना सुल्तानपुर दे विच, तां उस वेले जा बाबा जयदेव जी ने कहा भी चलो आप नानक नूं इत्थे लैके आउंदा, इत्थे कोई कम दवा दिंदे। तां उत्थे फिर मोदी खाने का कम गुरु नानक साहब जी ने किया। मोदी खाना की चलाया? वह परमेशर आप दाता दंदा है, तेरा तेरा करके सारा ही लुटाई जाता है, सारा ही लुटा दिंदा है। जो पर ऑडिट होंदी है प्रॉफिट दिसदी है, हमेशा प्रॉफिट होंदी है, घाटा कि दे भी ना पिया। आखिरकार वो जिहड़ा मालिक सीगा नवाब दौलत खां, वह भी महाराज के चरणी पै गया है, उन्हें भी महाराज नूं अपना जिहड़ा खुदा मान लिया। हुण देखो गुरु नानक सच्चे पातशाह बारे ना जिहड़ा के भाई गुरदास जी कहिंदे, भाई गुरदास जी ने कहा सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। कहिंदे गुरु नानक आया संसार दे विच क्योंकि ये संसार की पुकार, वी हैव आस्क्ड फॉर हिम, वी हैव प्रेड फॉर हिम। आपां कहिंदे वी हे परमात्मा साडी कृपा कर साडे ते कि साडे जीवन दे विच भी कुछ खाली आ जावे, सानू भी अपना जीवन जीवन का खुशी होवे, साडे जीवन दे विच आनंद आवे। तो फिर कहिंदे चरण धोए रहरास कर, चरण धोए। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने चरना मृत दुनिया नूं दिता, कहिंदे चरना मृत सिखां पिलाया, अपना चरण धो के चरना मृत बना के सिखां नूं जिहड़ा है पिला के अपने सिख बनाया। क्यों? क्योंकि चरण सब तो नीवे हुंदे ने, सिर सब तो उच्चा हुंदा है। भाई गुरदास ने इहदे बारे कई वारां विच लिखिया है, कहिंदे चरण नीवे ने, चरण मैले हुंदे ने, चरण वाल कोई देखदा भी नहीं, चरण की कोई कीमत नहीं पाउंदा। पर कहिंदे जदों दा गुरु नानक संसार ते आया है ये चरणा की कीमत सर नालों भी वध के होगी, ये चरणा तो सब कुछ प्राप्त होने लग पिया। सी द लीस्ट दैट एवरीबॉडी थॉट दैट दे गोइंग टू अचीव समथिंग इज फ्रॉम द फीट। महाराज ने उत्थे तक संसार नूं लियांदा कि निम्रता का पुंज बन जाओ, निम्रता अपने हृदय विच धारण कर लो। महाराज ने देखो पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, महाराज जी पार ब्रह्म ने जिहड़े सारे देवतियां नूं बनाउण वाले ने। लोकी आपां कई वारी देवतियां दी पूजा करन लग जांदे हां, सियाणियां कोल चले जांदे हां, बोमुआ कोल जी आ सियाणा जी, ओ सियाणा जी, ए हां जी ओ है जी, ए शब्द दंदा जी, ए मंत्र दंदा जी, आपां नूं बड़े भुलेखे। पर गल ना भुलियो गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है, उस ब्रह्म नूं भी बनाउण वाला है जिन्हें सारी सृष्टि की रचना की है, उन्हूं बनाउण वाला गुरु नानक है। हुण गुरु नानक साहब जी कलयुग अंदर एक दिखाया, यह वड्डी गल सी, कलयुग के अंदर सिर्फ एक परमात्मा नूं दिखाया कि द होल वर्ल्ड कैन बी एनीथिंग, कैन बी सो मच, बट इट एंड्स टू ओनली वन। इको ही परमात्मा की जोत है जो सारिया के विच प्रकाश कर रही है, जो सारिया के विच जीवन रूप होके सारिया नू जड़ा है एक कैपेबिलिटी दिंदी है कि वो जड़ा है संसार नू देख सकन। ते देखो संसार की रीति कैसी है, परमात्मा नू परमात्मा की शक्ति नाल आपां देखदे हां। देखो ना हुण ये इंद्रिय जड़े ने सेंसस जड़े ने इन्हां नू पावर अप करन वाला कौन है? वो परमात्मा की आत्मा, वो जोत, ओ जोत राही आपां संसार नूं देखते हैं जो सारा ही परमात्मा का स्वरूप है। मतलब परमात्मा की शक्ति राही ही आपां संसार नूं देखते हैं जो परमात्मा का रूप है।
बट इहदे विच एक गल मिसिंग है कि आपां इनकेपेबल हाँ उस शक्ति नूं देखण वास्ते, उसनूं रियलाइज करन वास्ते अपने कोल वह गुण है नहीं, वह ज्ञान है नहीं, वह बख्शिश है नहीं। आपां वह शक्ति नूं नहीं देख सकते, आपां सिर्फ वर्तनी जाणदे हां। इस करके हंकार हुंदा है ना। This is what we call self-realization, that you realize that the jyot, the light is atma and atma is paramatma. Oh, gal to apa bhul jande haan. Guru Nanak Sahib sache paatshah ji ek waar Lahore jande ne. Lahore gaye te utthe ek bahut dhani banda si, Duni Chand. Oda naam si Duni Chand. Ek Duni Chand Guru Gobind Singh de time te vi hoya hai. To eh hor Duni Chand siga. ये दुनी चंद लाहौर विच रहन वाला बहुत ही धनी सी। गुरु नानक साहिब महाराज जी लाहौर चले गए ते उत्थे जाके जदो बैठे दुनी चंद सराद कर रहा है। सराद हुंदा जिवें आपां बरसियां मनाउंदे आ ना, वह हिंदू जिहड़े लोग ने वह जिहड़ियां हन मनाउंदे हन सराद, मतलब अपने जिहड़े हन बजुर्ग जिहड़े चढ़ाई कर चुके ने उन्हां दे बाद साल बाद उन्हां दी सराद करदे ने आफ्टर वन ईयर एवरी ईयर। सो ये सराद वह कर रहा सीगा ते उन्हें सुनिया भी कोई फकीर आया है, कोई रब दा प्यारा आया है, कहिंदे उन्हूं भी सद लो। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भाई बाला ते भाई मरदाना तिन्ने उहदे घर विच चले गए। उहदे घर जाके जदों बैठे दुनी चंद बड़ी सेवा करन लग्या ते महाराज ने पुछिया दुनी चंद नूं, दुनी चंद तू किहदे वास्ते लंगर कर रहा है, इह किहदा श्राद्ध चल रहा है? कहिंदा महाराज मेरा पिता जी जिहड़े हन पिछले साल वह गुजर चुके सन ते कहिंदे भी उन्हां वास्ते मैं श्राद्ध कीता। महाराज ने पूछया ये श्राद्ध करन दा फायदा की है? कहिंदा जिहड़ा मैं लंगर देवी देवतियां दी भेटा करके मैं लोकां नूं छकाउंदा हाँ मेरे पिता कोल जांदा है, इट गोज़ टू माई फादर टू हिज सोल, वो सोल नूं मिलदा है। तो गुरु महाराज देख के उन्हूं कहिंदे कहिंदे तैनूं पता उन्हूं मिलदा कि नहीं मिलदा, कैन यू कन्फर्म दिस? वो कहिंदा महाराज मैनूं नहीं पता। कहिंदे फिर महाराज ने पूछया तेरा पिता जी कित्थे है हुण तैनूं पता? कहना नहीं महाराज मैनू ये गल का कोई ज्ञान नहीं है। महाराज तुम दस दौ। सो दुनी चंद ने महाराज से सवाल पा दिता। महाराज कहते देख कहता पंज कोश, एक कोश होंगे 2.5 किलोमीटर, कहते पंज कोश इतों तू ये डायरेक्शन वाल तुरिया जा, कहते उत्थे तेनों एक वुल्फ मिलेगा, बघियाड़ मिलेगा। कहता वो बघियाड़ जिहड़ा है तेरा पिता जी ने, वह बघियाड़ की जून में पै गए ते कहिंदे हुण उहनूं 3 दिन हो गए बेचारे नूं भुखे बैठे नूं, तू इत्थे सराद कर रहा तेरा पिता तां 3 दिनां भुखा बैठा बेचारा, उहनूं खाणा नहीं मिलिया बघियाड़ नूं बेचारे नूं, उह वुल्फ बेचारा भुखा बैठा। कहिंदे ते तेरा ते सराद कीता की करूगा जदों तेरा पिता ही भुखा बैठा है? हुण उह बेचारा बड़ा हैरान होया, कहिंदा इह की गल हो गई, मेरा पिता बघियाड़ बन गया? जस्ट इमेजिन इफ यू आर दुनी चंद समवन टेल्स यू दिस, शॉक हुंदा नहीं गा? सो कहिंदा जी ये कहिंदा भी ठीक है महाराज, लंगर चुकिया उन्हें तो चुके तुर पिया जी जिधर नूं महाराज ने दस्या, एग्जैक्टली उही थां ते पहुंचा। तो महाराज ने यह भी गल दसी कहिंदा तू उत्थे जाई जदों तैनू तेरे पिता वुल्फ ने देखिया बघियाड़ ने देखिया वह मनुख का शरीर बन जाएगा, ही विल बिकम इन अ फिजिकल ह्यूमन फॉर्म। कहिंदा ठीक है महाराज, वह चलिया गया। गया जाके एक भुखा बघियाड़ बैठा, पहला तो यह डरे जाण नूं भी भुखा तो हैगा कि मनु ना खा जाए। हाँ जी बंदे जिहड़े हन प्यार तो बहुत करते हैं पर जदों अपने संबंधी मर जाते हैं फिर उन्होंने तो डरन भी लग जाते हैं ना, फिर डर भी लगता है। आप भी जाते हैं ना कई जिहड़ा है ये एक रीति है पुरानी, कहिंदे जी जदों आप जिहड़ा तुसीं सुनी होनी है जरूर, जदों आप सारी जिहड़ा अपने फुल चुगदे हाँ जाके ना, फुल चुग के सारा कुछ इकट्ठा करके आप जदों जाके रिवर विच सड़दे हाँ जां कि आप समुद्र विच सड़दे हाँ, माइयां कहिंदियां हुंदियां भी सट के पिछे ना देखियो, हैव यू हर्ड ऑफ दिस? दूजी गल ए आ कहिंदे थोड़े जे पैसे सड़दे होना, वह जिहड़े उन्हां विच ना थोड़े पैसे पा दिंदे ने कॉइन्स, पॉइंट पा के कहिंदे सड़दे हो पिछे नूं सट्टियो मुड़ के पिछे ना देखियो, वट एवर यू डू डोंट लुक बैक। क्यों नहीं लुक बैक करना? कहिंदे जे लुक बैक करता थोड़े नाले तुरे आउणा उहने। देखो पहलां तां मरे दा आपां रोंदे हाँ, मेरा संबंधी मर गया, बड़ा रोंदे पिटदे हाँ, हाँ जी फिर वह संस्कार करते हैं हाँ, फिर आप चाहते हैं महाराज हूँ थोड़े चरणा च निवास बख्शो साढ़े घर ना भेजियो, हूँ प्लीज डोंट सेंड हिम बैक टू माई हाउस प्लीज डोंट, हाँ जी आप यही करते हैं ना। सी दिस इज द रियलिटी। हूँ देखो यही साखी दे विच ना महाराज ने जदों ये दुनी चंद जाता है ना, जाके वो वुल्फ नूं देखता है
ਤਾਂ ਵੁਲਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੀ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਅ ਹਿਊਮਨ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਟਡ ਐਸ ਅ ਵੁਲਫ? ਵਾਈ, ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਫਿਊ ਬ੍ਰੈਥ ਲੈਫਟ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਭੁੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਵਨ ਵਾਸ ਫਰਾਈਂਗ ਫਿਸ਼, ਅਤੇ ਫਰਾਈਂਗ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਫਰੈਸ਼ ਮੱਛੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੋ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਈ ਮੱਛੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਭੁੰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭੁੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੰਘੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਈ, ਸਮੈਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਟੇਸਟ ਬਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਸਟ ਬਟ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜ ਗਏ ਜੀ ਟੇਸਟ ਬਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਘਿਆੜ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਜੂਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਤਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨੀਡਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੇਚਾਰਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਤ ਬਚਨ ਜੀ, ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਣੇ ਆਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ, ਹੈਨੇ ਸੋ ਇਸ ਈਦਰ ਯੂ ਰੈਕਨਾਈਜ਼ ਔਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰੈਕਨਾਈਜ਼, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਬਟ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ ਸੋ ਟੇਕ ਇਟ ਐਸ ਦੈਟ, ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਸਤੀਪਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਸੋ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੱਟ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਈ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਟੇਕ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਜਨਮ, ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੇਅਰ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਆ ਸੂਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ 7 ਲੱਖ ਕਮਾਏ ਨੇ, 7 ਲੱਖ 700,000, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਓਕੇ ਤੇ ਮਾਇੰਡ ਯੂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਸ ਇਕੁਅਲਨ ਟੂ $70, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ,
700,000 यू नो ओ समय का आप तो अज नहीं कमा सकते है ना किन्ना किन्ना कल होगा जी बैंक अकाउंट 700,000 डोंट बी शेम इतने डिकलेयर कर दो जी फिर तुम LSDN कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इतना डिकलेयर कर दो हाँ जी सो की होया जी कहते तेरे को इन्ना पैसा जो गुरु महाराज ने दस दिता जी सो ये सोचनी पै गया महाराज थोनू क्यों पता लग गया कहना वो तो मैं भी काउंट करके पता लगता है महाराज कहते देख दुनी चंद जो तू मरेगा ना कहना ये पैसा तू पाप की कमाई न कमाया बड़े पाप किए आ तू बड़े लोगों धक्का किया धोखा किया झूठ बोलिया ये पैसा ता तू कमाया कहना दस दुनी चंद जे मेरी एक तू सूई नहीं लेके जाता है 700,000 का की करेगा इन्हों कि लेके जाएगा महाराज के चरणी लिख पाया कहना महाराज कृपा कर दो हूँ महाराज कहते धर्मसाल बना ते अपनी कमाई नूं सफल कर सो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ऐसे ने ऐसा उपदेश दे के उदियां अखां खोल दित्तियां महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह चारे पैर धर्म दे हुण चार पैर हुंदे ने धर्म दे चलो आपां बहुत ही फिलोसफी च ना जाइए जिहड़ा चार वर्ण एक वर्ण कराया चार वर्णा नूं एक वर्ण करा दित्ता महाराज ने महाराज सच्चे पातशाह ना गुरु नानक साहब दी जे आपां महिमा करिए ना एक ग्रंथ हैगा महिमा प्रकाश जिहड़ा बाबा स्वरूप चंद भल्ले ने लिखिया है ये लिखिया है 1776 दे विच हुण आपां नूं समा थोड़ा है मसाला ज्यादा हो गया हाँ जी चलो सो उहदे उह लिखता है कहिंदा हर भयो अवतार निरंजनी संत रूप तन धार कारण तारण जगत को कहे भगत प्रचार धन देश धन नगर सो तन बचन कुल सोए तन समा तन मात पित संत जन्म ग्रह होए ते सम्मत विक्रम निरपत को विक्रमी साल है सो 1525 वह साम सुदी थित तज को तीज को तरियो संत बप ईस हुण एथे जिहड़ा है कहना जरूरी है हाउ डिट जिहड़ा है राय भोई दी तलवंडी कन्वर्टेड इंटू ननकाणा साहिब हुण जदों राय बुलार अपने अखीरले सौसां तक आया बहुत बुढ़ा हो गया आप जी ने साखी मेरे ख्याल दो दिन पहला सुनी है भी किवें महाराज ने उन्हूं ज्ञान का उपदेश दिता ज्ञान का उपदेश दे के उसनूं जिहड़ा है परमात्मा की सोझी दित्ती ते उसकी समाधि जुड़न लग पई जदों राय बुलार जिहड़ा है अपना शरीर छड्डन लग्या उस वेले उसने अपने उन्हूं सद्या जिहदे जिहड़ा विल बणाउंदा है जिहड़ा उहदा वड्डा अकाउंटेंट सी जां उहदा जिहड़ा है अटॉर्नी सीगा उन्हूं सद्या जी उन्हूं कहिंदा गुरु नानक नूं देण वास्ते मेरे कोल कुछ भी नहीं है कहिंदा एक ही गुरु नानक है जिहदे अगे मैं अपने आप नूं गरीब महसूस करदा रोज लोक मैनूं राजा कहिंदे ने पर कहिंदा जदों मैं गुरु नानक कोल जांदा है ना मैनूं इह अहसास हुंदा है कि मैं किन्ना गरीब हाँ मैं अपनी जिंदगी विच कुछ ना कमाया की कमा लिया कहिंदा मैं कुछ नहीं कमाया पर कहिंदा अज मैं गुरु नानक दे दर्शन करके मनु अपने जीवन का फल मिलिया है ते कहिंदा उस नौटनी नूं कहिंदा आए कर राय भोए जिहड़ा मेरी फैमिली दे नाते है अज तो इसका नां ननकाणा रखना है ये नानक का घर है नानक आना ननकाणा नानक का घर अन्ना मिलका गुरु नानक का घर है यह सो इनू हुण ननकाणा करके आप जाणिया जाना है मतलब उन्हें उत्थे धर्मसाल बनाई धर्म का प्रचार किया अपना पैसा उहदे ते लाया सो इस तरह करके जिहड़ा है राय भोई की तलवंडी ननकाणा बनी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज जदों भी किते जांदे आ ना महाराज अच्छा जिहड़ा हन बड़े हैरान करन वाले कौतक करदे ने एक दिन कहिंदे महाराज जी गए एक तरखान का घर सीगा तरखाना जरा अपने की कहोगे उन्हों अंग्रेजी विच हाँ का पेंटर हाँ जी मैं छोटा हुंदा ही सोची गया भी कार का पेंटर होना वे गड्डिया गुड़िया करता होना हाँ जी की पता सी भी का पेंटर जरा है भी लोहार जरा है इन्हू कहते सो चलो जी की हुंदा है जी वो घर चले गए घर जाके ते वो बहुत गरीब सी बेचारा बहुत गरीब उहदे कोल कुछ भी नहीं सी बेचारे कोल भज नट के उन्हें बहुत सेवा की गुरु नानक साहब जी नाल भाई मरदाना भी है भाई बाला भी है ते बड़ी सेवा कीती ते भाई बाला मरदाना बड़े खुश होए दाल रोटी छकी बड़ा आनंद आया ते की होया जी सवेरे सारी रात गुरु नानक साहब दे ओ मुट्ठी छापी करदा रहा बेचारा सुत्ता भी नहीं
सारी रात महाराज पे, महाराज दिया लत्तां घुटी गया, किते महाराज नूं पखा करे, किते कुछ करे, डीके भी महाराज पानी ना मंग लैन, सारी रात उन्हें सेवा की। सवेरे महाराज जी उठे, महाराज गुरु नानक साहब ने इशनान किया, इशनान करके सतगुरु जी अपने ध्यान च बह गए। जदों दिन चढ़िया, भाई मरदाने ते भाई बाले नूं कहिंदे आपां चलीए, हुण उह तरखान बेचारा आके महाराज दे चरणी पै गया, महाराज होर रहो, कहिंदे नहीं जी हुण जाणा है। ते महाराज जी जाण तों पहलां कहिंदे जी जो बाहर निकल गए ना सारे सारे बाहर आ गए घर तों, महाराज ने कुहाड़ा चक्किया, उहदी सारा घर तोड़ता, महाराज ने उहदा घर ही नहीं तोड़िया, उहदा इक इक भांडा तक चक के तोड़िया, उहदा सारा घर भन दित्ता, सारे भांडे भन दित्ते, सारा घर बिल्कुल धरती दे नाल लाता महाराज ने। हुण की होया, वह लुहार विच जिहदा अवतार खान सी बेचारा देखी गया, कहिंदा वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, उहदा घर तोड़न लगे होए ने, हाँ जी सारा घर तोड़ दिता जी। सो गुरु नानक साहब जी महाराज कहिंदे चल चल भाई भाई मरदानिया बाला चलीए हुण आपां, तुर पे जी। वह नाल बेचारा तरखान तुर पिया, कहिंदा महाराज मैं तुहानूं छड के आउंदा, वह बेचारा छड्डन चलिया जी जिहदा घर तोड़िया होया, हाँ जी वह भी तुर पिया नाल। तुरदियां होया जी ऐन जाके हद कोल चलिया गया, वह पिंड दी जाके महाराज कहिंदे हुण तां भाई तूं मुड़ जा, वह भी बेचारे ने कुछ नहीं किया, वह पूछे लंदा महाराज मैं कहा मेरा घर तो तोड़ता मैं जावा कितने, हाँ जी वह कुछ नहीं बोलिया, वो भी शरदा सी बेचारे की। सो की होया जी महाराज ने छड़ के, तो जो पिछे नूं मुड़िया ना भाई मरदाना कहता महाराज तुसी चंगा किया, है बेचारा पहली तक गरीब से बेचारा, है वो कोल कुछ भी खाने वास्ते भी पूरा नहीं सी, हुण तुसी जरा घर भी तोड़ दिता बेचारे का, एक घर कितों बनाएगा बेचारा। गुरु नानक महाराज जी हस के कहते ना, कहते सारे शहर विच इहनी सेवा कीती है, कहिंदे हुण साडा भी कोई फर्ज बणदा। भाई मरदाना कहिंदा महाराज चंगा फर्ज निभाया तुसीं, हां घर तोड़ के रखता उहदा बेचारे दा। ते की होया जी उह वापस आया, हां जी उह धन गुरु नानक करदा वापस आया, देखदा की है जिथे उहदी चुंगी तोड़ी होई सी ना उह थां ते इक वड्डा सारा घर पै गया जी। ते अंदर गया उहदे विच सारियां चीज़ां नवीआं, जिवें आई डी डिजाइन हुंदा है, चलो आई डी डिजाइन कह लो, बड़ा सोहना बनाया होया घर, हाँ जी देख के हैरान हो गया। तो वह महाराज देखो गुरु नानक साहब महाराज के करतब जोड़े आ ना बड़े अनोखे, तो महाराज देखो जो खुशी में आते हैं ना तो की करते हैं। एक दिन महाराज जी बैठे एक बकरियां चारदा फिरदा सी, एक मुंडा जा छोटा जा बेचारा होना है, हाँ जी मैंने कहा 10 साल का होना है, हाँ जी वह बेचारा एक मधेर जहा बनया हो, एक साफा जहा बनया सिर पर, है जी बकरियां चारदा फिरे उ, महाराज जी जाके बह गए, बह गए महाराज की ना निगाह उहदे ते पै गई, वह महाराज कोल आया, आके महाराज बड़े सत्कार नाल उहने जिहड़ी राम राम कीती, हथ जोड़े चरणी पैर पिया मत्था टेकिया, कहिंदा बाबा जी मैं कुछ लैके आवां। महाराज कहिंदे आओ बैठ सुल्तान, बस बचन करना सी सुल्तान। की होया जी ये बच्चा उदने सवेरे शहर गया, तो शहर का राजा मर गया, उहदा कोई डिसेंडेंट नहीं सी, वह कहिंदा जिहड़ा पहला बंदा गेट टपके आऊगा उहनूं राजा बना देना, यह पहला बंदा से चक्के राजा बनाता। सिर्फ एक बचन से महाराजा आओ बैठ सुल्तान, बस हो गया जी कम। तो महाराज एक होर साखी सुन लो, एक बार की होया एक राजे की लड़की सी, उन्हें जड़ा है घोड़े ते चढ़ के आई, तो महाराज ने कहा बेटा आ जा, उन्होंने बेटा बनाता जी, फीमेल तो मेल कर दी जी। महाराज का बचन है जी, गुर का बचन बसे जी नाले, ऐसा बचन है सतगुरु गुरु नानक का, महाराज जो मोह कह देंदे ने ना बस ओही होना। ते गुरु महाराज बारे एक गल समझन दी लोड़ है, ओही बचन अज आपां हुक्मनामे विच सुनते हैं, जे किते एक छोटी जी शर्त अपने मन विच जाग पवे ना वी आए बचन मेरे गुरु नानक ने कीता, अज यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एंटायर हुक्मनामा, जस्ट वन वर्ड लैके अपने हिरदे विच रख लो, बस यू आर डन। उत्थे कोई गिनती नहीं होंदी भी किन्ने के शब्द तुसी याद कीते आ जां किन्ने के शब्द अंदर वसे होए, नहीं भाई प्यार दी है। गुरु नानक दा बचन जान के जे अंदर वसावांगे ना तो महाराज बड़िया खुशियां दिंदे ने। हुण आपां एक जिहड़ा है पुराना जिहड़ा इतिहास एक होर विचारीए, जिहड़ा कि लिखिया है एक बेटा इत्थे देखते हैं जी। सो एक वली मुहम्मद नाजीर अकबरबादी सीगा 1735 दे विच इन्हें लिखिया
कहते दिन रात सबों ने या दिल दे है याद गुरु से काम लिया। कहते सत मन मकसद भर पाए खुश वक्ति का हंगाम दिया किया दुख दर्द में अपना ध्यान लगा जिस वक्त गुरु का नाम लिया। कहते पल बीच गुरु ने आन उन्हें खुशहाल किया और थाम लिया। देखो ये लिखता है दिन रात जड़ा है कहते सबों ने सारिया ने दिन रात गुरु नानक साहब महाराज नू जड़ा है याद किया। जगह दिन रात सबों ने या दिल दे है याद गुरु से काम लिया। गुरु महाराज नू याद करन दा काम गुरु तो लिया भी महाराज तेरी याद करनी है तू आके मेरे नाल बैठी। देखो ये अपनी स्पिरिचुअल अवस्था का प्रगटावा कर रहा है। कहिंदा जे मैं गुरु नू याद कर रहा ना मैं अहंकार नहीं मैनू करना चाहता मैं याद कर रहा है आई एम ट्रबलिंग हिम टू कम टू मी। उस्तत गुरु दी है महाराज तू मैनू अपनी याद दत्ती तू मेरे नाल बैठा है इट्स नॉट दैट आई एम रिमेंबरिंग यू। आप दो घंटे सिमरन करके आए हो जाने सिमरन आप बड़ा अहंकार पापा यह नहीं देखते जरा गुरु थोड़े कोल बैठा बच्चे वो गुरु के होंदिया सिमरन किया। कहते देखो सब मन के मकसद भर पे सारे दिन दिल दिया खाशा पूरी हो गई खुश वक्ति का हंगाम लिया खुश किस्मती का सबूत लिया। तुम कहते कहते दुख दर्द में अपना ध्यान लगा। कह लगे दुख दर्द जिन्ने भी अंदर सी जदों ध्यान गुरु नानक विच लग्या जिस वक्त गुरु का नाम लिया। कहते पल विच गुरु ने आन उन्हें खुशहाल किया उन्होंने आके सारा उन्होंने खुशी दे दती। कहते क्या और थाम लिया नाले बचा भी लिया। ते कहता है इस बख्शिश के इस अजमत के है बाबा नानक शाह गुरु सब शीस चुका अरदास करो और हर दम बोलो वाह गुरु। ए बोलो वाहे देखो ये गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी लीला सच्चे पातशाह जी दा प्यार अपने वास्ते। गुरु महाराज आपां नूं बहुत कुछ दिंदे ने। गुरु महाराज दीआं खुशियां जिहड़ियां हुंदियां ने ओह कोई थोड़ियां नहीं हुंदियां। गुरु महाराज अपने उत्ते जिवें बदल वरसदे हन पाणी दे नाल गुरु नानक साहब जी अपनियां रहमतां नाल वरसदे ने। सो जिहड़ा है अगे भी बहुत हैगा जी पर आपां इत्थे समाप्ति कर लईए तां चंगी गल है जी। बहुत लम्मा चौड़ा प्रोग्राम है अपना हाँ जी पर एक गल है द ग्लोरीज ऑफ गुरु नानक देयर इज नो एंड। पदम ने एक किताब लिखी है प्यारा सिंह पदम ने ते उन्होंने अपनी किताब दे विच ना एक गल लिखी है। कहिंदा ये जरा कहिंदा गुरु नानक का जीवन है ना कहिंदा क्योंकि इन्हें किताब लिखी सी 500 ईयर्स से जो गुरु नानक साहब महाराज का 500 ईयर्स का सीगा ना गुरपुरब उन्हें किताब लिखी गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया उन्हें वो कहता सी मेरी मन की जिहड़ी है एक ख्वाहिश सीगी कि मैं 500 बंदियां दे लेख लिखा ये भी 500 बंदियां दा मैं लिखा भी उन्होंने गुरु नानक साहब बारे की लिखा है पर कहता मैं सिर्फ 250 बंदे लिख सकिया यदि मैं माफ़ी दे। इतों जो आप जी ने अज सुनया है ना बहुत सारा वो इतिहास है जो हत लिखता है अजे प्रिंट भी नहीं होया जो वो टाइम ते प्यारा सिंह पदम कोल सीगा हत लिखत उन्हें हत लिख तो कट कट के चीज़ा लिखिया हुई हैं। जी तो बहुत करता थोड़े ना साझिया कर पर समा भी एक गल हुंदी है। चलो एक एक होर सुन लो जी पंडित गुलाब सिंह जी होए ने पंडित गुलाब सिंह ये पंडित गुलाब सिंह की साखी भी जी है ना बड़ी अनोखी है। ये जड़ा है एक गरीब जट हुंदा सी जट का पुत्र सी हुण जट दे पुत्र ने भी उही करना जिहड़ा उहदे पिता ने किया खेतीबाड़ी करनी। सो कहिंदे खेतीबाड़ी करदिआं करदिआं ना इन्हां दे पिंड दे विच एक पंडित सीगा उहदे कोल जाके इन्हें पढ़ना शुरू कर दिता उन्हें इहनूं संस्कृत पढ़ा दित्ती हाँ जी पर्शियन पढ़ा दित्ती। सो यह सारी विद्या पढ़ के एक दिन पंडित इहनूं कहिंदा कहिंदा तू बड़ा सियाणा है तू बड़ा तेज है सारी गल तू चेते कर लैणा तेरी बुद्धि बड़ी जिहड़ी है चतर है बड़ी होशियार इंटैलीजेंट है। कहिंदा तू कांशी जा कांशी जाके पढ़ उदो क्योंकि कांशी एक थां हुंदा सीगा जिथे ये पढ़ाइया पढ़ाइया जांदियां सन। सो इहनूं कांशी भेज दिता जी यह पढ़न लग गया उत्थे। एक दिन इहदा जिहड़ा गुरु सी ना पंडित जिहड़ा सीगा उहनूं पता लग गया कि यह जट है
भी यह ब्राह्मण नहीं जा खत्री नहीं। उन्हें की किया क्लास तो बाहर कढ़ दिता। जो क्लास तो बाहर कढ़िया इन्हें हिम्मत नहीं हारी, इन्हें की किया पंडित के घर जाके घर जरा सेवा कर लग गया, एक नौकर बन गया। नौकरी करता रहा, वह पंडित के घर एक पुत्र जमया, वह ख्याल रखन लग गया। जो पुत्र दो तीन साल का होया वो बड़ा मोह जा कर लग गया। ये इन्हें की किया एक दिन रुस के चलिया गया। सो पंडित की घरवाली जी बड़ी दुखी होगी, कहते बच्चे कौन सांभेगा। देखो माइया तो कुछ भी ले लो, उन्हों का नौकर ना होना तो लो। मैं सच्ची कहना यह बड़ा सीरीयस काम है। हाँ जी, कुछ मर्जी लै लो, तुम माई नू कहो जान देनी है जा नौकर देनी है, क्योंकि जान लै लो। हाँ जी, मैं नौकर नहीं। सो कवि जरा है, कवि वो जरा है, मतलब कि बड़ा सीरीयस जहा काम है। कोई नहीं, आप ना टच करिए। सो की होया जी, सो पंडित राणी ने उन्होंने प्रेसर किया, कहती उन्होंने लैके आ। तो लैन गया, टू कट द स्टोरी शॉर्ट ना, ये जाके बैठा। गुलाब सिंह इन्हू कहता, कहना मैं एक शर्त ते तेरे घर आऊँगा जे तू मैनू पढ़ाएंगा। कहता देख मेरा धर्म है, पंडित कहता मैं तेनू पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ ब्राह्मण या खत्री नू पढ़ा सकता, मैं तेनू नहीं पढ़ा सकता। कहता फिर किवें चला, फिर मैं भी नहीं आता तेरे घर। फिर पंडित कहन लगा, कहना कोई कोई गल नहीं, आप एक गल करिए। कहता जो मैं तेनू पढ़ाएगा ना, तू लिख नहीं सकता, तू सुन लिया कर, तू लिख नहीं सकता। कहता ठीक है जी, सत बचन चलिया। गए घर च काम करता है पंडित, रोज सवेरे उन्होंने दो तीन घंटे ना बिठा के उन्होंने अर्थ दसदा, वेदा दे सिमरतिया दे पुराणा दे उन्होंने अर्थ दसदा। ये चुप करके बह के ना गुलाब सिंह सुनता है, सुन के दो घंटे उन्हें जाके वो याद करके मुड़ के लिखना जाके। ही विल राइट एवरी वर्ड। इन्हें जाके हर रोज जिहड़ा है उन्होंने लिखी जाना। इन्हें फिर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। एंड ही वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट वन जिन्होंने कांशी का नॉलेज गुरमुखी विच ट्रांसलेट किया। बहुत इहदी जिहड़ी है कमाई है, बेचारे ने इन्ना सारी जिंदगी ला दी है काम वास्ते। पर आखिरकार की होंदा ना, जदों वो जिहड़ा है जदों जिहड़ा बुढ़ा होंदा है ना, इहदे माँ बाप जांदे ने इहदे कोल, कहिंदे पुत्तर तू साडा एक पुत्तर सी ते तू विआह नहीं कीता, साडी कुल अगे किवें चलेगी। ते इह माता पिता नूं कहिंदा, माता पिता थोनों पुत्र की क्यों लोड़ आ, कहिंदे साडी निशानी रह जाएगी संसार विच। इह कहिंदा अपने माता पिता नूं, कहिंदा मैं अपनी कविता विच थोड़ा नाम लिख देंगा, तुसीं जिउंदे रहोगे दुनिया वास्ते। देखो इन्हें फिर उन्हों का नाम लिखिया। तो फिर इन्हों के ग्रंथ जोड़े सन एक महापुरुष को चले गए, उन्होंने को रहन लग पे, उन्होंने को रखे हुए। पंडितों को पता लग गया, उन्होंने आके वह महापुरुष को कहा, तो उस वेले ये उत्थे नहीं सीगा। की किया उन्होंने आके कहा कि सानू थोड़े तो कोई चीज़ चाहिए, तुसी ना ना करो। वह महापुरुष से बेचारा, उन्हें तो हाँ करनी हो सी, महापुरुष तो किसी ना करते ही नहीं। तो कहता दसो जी की करिए। कहते जिन्हें गुलाब सिंह के इतने ग्रंथ पे सू दे दो, असं साड़ने, क्योंकि असं नहीं चाहते साडा नॉलेज जिहड़ा है गुरमुखी अखर लिखिया जाए, सिंपल सिंपलीफाइड किया जाए, असं नहीं चाहते। कि होया जी, चक्के उन्होंने लै गए जिन्हें ग्रंथ से सारे साड़ दते, संस्कार करता। उन्ने क ग्रंथ गुलाब सिंह पंडित के बचे जिन्हें उन्हें किसी को लोन किए हुए सन, उत्थे नहीं सन। उन्ने क ग्रंथ बचे, तो वह ग्रंथ अजक छपते ने जिदों भाव जरा है सिमरत है भोग जरा मोख पंथ, फिर अगे उन्होंने अध्यात्म रामायण लिखी, वह बचते हैं। उन्होंने लिखत जी सी ना कमाल की सी, उन्होंने जोड़ा है ये लिखिया। देखो परमात्म राम रते जगते सब लोग जिन्हें पग बंधन धारे, कहते जिन नाम मुकंदे सेत बताए सो सेवक के गन पार उतारे। कहे जिह कीरतपुर रही अवनी गुण सिंध कहां बरने हम बाम थारे, गुरु नानक वह पद मंजुल को कर जोर सदा अब बंधन हमारे। कह लगे गुरु नानक की है, गुलाब सिंह दसदा है जिन्हें वेद पढ़े पुराण पढ़े स्मृतियां पढ़िया वह दस रहा गुरु नानक की है। देखो ना जी, आप कही है ना गुरु नानक की है, वी डोंट नो। आप किहदे नाल कंपेयर करके कह रहे हैं कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक, किहदे नाल कंपेयर करके कह रहे हैं जी, इन्हें तो सब कुछ पढ़िया है। ये कहता है गुरु नानक वह पंदल मंजुल, कहे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के चरण, कहेंगे अपने जिहड़े हन दो हाथ जोड़ के उहदी अंजली बना के, इस तरह अंजली कहते हैं, उहदी अंजली बना के कहते जोर सदा अब बंधन बंध हमारे, कहते उन्होंने पी के मैं उन्होंने बंधन करता हाँ, क्योंकि गुरु नानक ते परमेश्वर च कोई फर्क नहीं, वह एक रूप। सो
ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਫੋਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਕੁਅਲੈਂਟ 1000 billion ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੰਘਾਇਓ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।